स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों को जो पता है कि हमारा पहले चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो बात की थी कंडेंस सिलेबस की। 4.1 और 4.2, ये दो टॉपिक्स जो दो हेडिंग्स जो हैं इसके अंदर आना है सब कुछ। 4.1 के अंदर इंक्लूड हैं तीन हेडिंग्स, 4.1.5, 4.1.0, 4.1.7। इस आज हमारा कल तक जो हमारा काम था वो 4.1 पे अप्रॉक्सीमेटली क्लोज हो चुका है। सिर्फ उसमें एक हेडिंग आपको, एक ग्राफ दिखाना है, कंक्लूड करना है, और आज से हम शुरू करेंगे 4.2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले जब मैंने चैप्टर 4.1 पढ़ाना शुरू की थी तो मैंने बताया कि ये एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने ये कहा था कि मैं अब जो क्लास होगी उसमें आगे जाके बताऊंगा। तो आज से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, स्टेटमेंट देखी उसकी, फिर हम ग्रुप्स पे, उसके बाद हमने पीरियड्स पढ़े, पीरियडिसिटी पढ़ी, और फिर हमने पीरियड को वन बाय वन डिस्कस किया। और पीरियड को थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, जो हॉरिजेंटल रोस होती हैं उनको कहते हैं पीरियड्स। उसके बाद हम ग्रुप्स पे आए, ग्रुप्स पे हमने बात करना शुरू करी, तो हमने वर्टिकल कॉलम्स को देखा और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। ये प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा फाइनल पेपर के अंदर पूछी तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप लोगों को तकरीबन हर टॉपिक की चार चार पाँच पाँच प्रॉपर्टीज़ जितने भी ग्रुप्स हैं सबकी याद होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है, हमने ग्रुप नंबर 8A के बाद आज शुरू करना है फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट बना हुआ है एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? एलिमेंट्स मौजूद है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर ए को कहते हैं। जो एक पार्ट था, ग्रुप के दो पार्ट हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए 1A, 2A, 4A, 3A, 5A जो हमने अभी ग्रुप में डिस्कस किए, वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आपकी किताब के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है और सिर्फ इंट्रो है, छोटा सा इंट्रो। ये जो है इंट्रो आपसे फाइनल पेपर में नहीं पूछा जाता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में होते हैं। अब ये कुछ आपको मैंने सामने ग्राफ पेपर पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, गौर से देखें। ये लिखा हुआ है 1 to 18, 1A, 2A, उसके बाद 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। आप मेरे माउस को देख रहे होंगे कर्सल को कि किस तरह मूव कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं द मिड पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो दरमियानी हिस्सा है। ये जो दरमियानी हिस्सा आपको नजर आ रहा है, आज हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और ये ग्रुप कहलाता है बी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा? बी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम बी ब्लॉक भी कहते हैं और इसको हम ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू होते हैं 1B से लेके 8B तक, सही है? 1B, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दो पार्ट हैं, एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक इनर। अब दोबारा थोड़ा पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। ये वाले जो दरमियान में नजर आ रहे हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और अगर आप ये देखें यहां से 57 से 71, ये जो आपको कर्सल बना के यहाँ पे जो ब्लॉक बना के आपको दिखाया गया है, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एक कहलाता है आउटर, दूसरा कहलाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो नेम होते हैं उनको दो नाम दिए गए, एक को लेंथिनाइड्स और दूसरे को एक्टिनाइड्स कहते हैं। जो अपर पार्ट है उसको कहते हैं एक्टिनाइड्स, और जो लोअर पार्ट है उसको कहते हैं जो अपर पार्ट है उसको कहलाता है लेंथिनाइड सीरीज, और जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है एंथिनाइड सीरीज, सही है? और ये जो दरमियान वाला ब्लॉक है क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और दूसरे अल्फाज में ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये भी हैं, और नीचे जो दो पार्ट दिए हैं ये भी है, लेकिन इस ये कहलाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नीचे वाले को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है लेंथिनाइड सीरीज है और दूसरा पार्ट कौन सा है इसका? एक्टिनाइड सीरीज है, सही है भाई? अब बी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं 1B से लेके 7B तक, सही है?
ये बस मैंने आपके लिए ऐसे ही तो कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन ये आपके कि अब जब बी ब्लॉक की हमने डिस्कशन की है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। बी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी वैलेंसीज 1, 2, 3 जो +1, +2, +3 इससे पहले हमने जो पढ़ा था वैलेंसीज का, इसके अंदर वैलेंसीज जो है वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है, चेंज हो रही होती है। सब के सब मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और इसके अंदर ये एलिमेंट शामिल हैं। मुख्तसर ये कि बस इसको एक हल्की सी नज़र देख लें आप लोग, इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना, ज़्यादा इसको याद नहीं करना, लेकिन एक नॉलेज के अतबार से आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स बी ब्लॉक भी होता है और ए ब्लॉक भी होता है। और बी ब्लॉक के अंदर दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, आउटर और इनर। इनर की भी दो टाइप्स होती हैं, एलेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स, जस्ट इट। अच्छा जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक एटॉमिक रेडियाई। यहाँ से 4.2 शुरू हो रही है आपकी। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई? न्यूक्लियस से लेके आखिरी ग्रुप तक का फासला, न्यूक्लियस से लेके द आउटर मोस्ट शेल जो सबसे आखिरी वाला शेल है वहां तक का फासला कहलाता है एटॉमिक रेडियाई। केमिस्ट्री के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। जैसा कि ये आपको डायग्राम्स बनेंगे नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्लोरीन का रेडियस मालूम करना है तो मैंने दो न्यूक्लियस लिए, इनके फासले को मेजर किया और मेजर करके डिवाइडेड बाय टू कर दिया तो हमारे पास आ गया। आसान बात, क्योंकि ये दो सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो इनका फासला यहाँ से लेके यहाँ तक का आउटर मोस्ट शेल का यहाँ से लेके सेम ही होना है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम डायमीटर को नहीं लेते। केमिस्ट्री में रेडियस क्या होता है? अगर कोई गोल सर्कल है, सही, अगर कोई गोल सर्कल है उसका एक कोने से लेके दूसरे कोने तक का फासला रेडियस कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, एक सर्कल यहां से लेके या एक सर्कल का पूरा यहां से लेके यहां तक का फासला, सही है, एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला डायमीटर कहलाता है। अगर मैं डायमीटर के दो हिस्से कर दू, डिवाइड बाई टू कर दू, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल इसका रेडियस। तो लेकिन केमिस्ट्री में जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं व्हेन सेम एलिमेंट्स, जब सेम एलिमेंट, देखो क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन के दो एलिमेंट ले लिए, दो एटम ले लिए, उसके एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का फासला जो होता है उसको मैं अगर डिवाइडेड बाई टू कर दूं तो मेरे पास क्या जाता है, रेडियस आ जाता है। बस वॉट इज रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एक दूसरी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ये भी आसान है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू सिमिलर एटम्स, ये दूसरी वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ सिमिलर एटम, एक ही एटम है लेकिन उसका हाफ ऑफ डिस्टेंस ले लिए तो क्या कहलाएगा, वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिख दी है मैंने। एक्सप्लेनेशन, इट इज मेजर इन एंस्ट्रॉम, एक एंस्ट्रॉम यूनिट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर होती है, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। लेफ्ट टू राइट इन द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बट न्यूक्लियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्बिट, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये पॉइंट समझने के लिए जरूरी है आप इसको देखें। आपको ये पीरियोडिक टेबल नीचे बना हुआ नजर आ रहा है और ये नीचे जो गोले बने हुए ना, ये इसका रेडियस बना हुआ है, साइज, एटम का साइज। अब आप देखिए टॉप टू बॉटम एटम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एटम, एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आ रहा है नजर आपको, टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, हाइड्रोजन का इतना सा एटम है, इसका साइज क्या, वो ज्यादा हो गया, इसका साइज और ज्यादा हो गया, इसका साइज और ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ पहले शेल में, इसके अंदर दो शेल है, इसके अंदर तीन शेल है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं तो एटम का साइज भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, सही है। क्योंकि पीरियड जो है, देखो बेटा जो पीरियड है
वो रिप्रेजेंट करता है शेल को, इसके अंदर एक शेल है, पीरियड दो है तो दो शेल है, पीरियड तीन है तो तीन शेल है, फोर है तो फोर शेल है, शेल बढ़ता जा रहा है, साइज भी बढ़ता जा रहा है। सही है भाई, जब एटम का साइज बड़ा हो रहा है, देखो ना भाई, पहला शेल बिल्कुल करीब है न्यूक्लियस से, दूसरा शेल न्यूक्लियस से दूर है, लेकिन तीसरा शेल और दूर है, पांचवा शेल, तो जैसे जैसे एटम का नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, भाई ये माउस को देखो गौर से, तो एटम साइज बढ़ता जा रहा है। देखो भाई यहाँ पे बेरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारा साइज क्या होता रहा है, बढ़ता जा रहा है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लिसन, वी आर डिस्कसिंग ओनली द टॉप टू बॉटम, द सेंटेंस इज दिस, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऊपर से नीचे आ रहे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे शेल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल कहा जाए या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाए, एक ही बात है। यहाँ पे ऑर्बिट्स लिखा हुआ, हम यहाँ पे शेल भी लिख सकते हैं। ये इसकी वैल्यूज लिखी हुई है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की, 1.12, 1.2 इंक्रीजिंग ऑर्डर। बस दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेफ्ट टू राइट। देख लेते हैं भाई लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। ये लेफ्ट है, यहां से हम ग्रुप के अंदर मूव करें आगे की तरफ जा रहे हैं। देखो भाई लिथियम का इतना बड़ा साइज, बेरियम का छोटा हो गया, बड़ा है, छोटा है, साइज बाकायदा नजर आ रहा है। इधर आ जाओ भाई, बोरोन का बड़ा साइज है, कार्बन का छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, अल्मोनियम का इतना बड़ा साइज है। देखो मुसलसल क्या होता जा रहा है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। जब हम पीरियड में मूव करते हैं, हॉरिजेंटल जाते हैं, तो साइज क्या होता रहता है, डिक्रीज, छोटा होता रहता है। थोड़ा सा फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन वो क्यों फर्क आता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो भाई इसके अंदर पहले शेल में तीन इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल भी बढ़ रहा, शेल के अंदर इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि किसमें इजाफा हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, ज्यादा तेजी के साथ उसको खींच के रखता है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव, तो इनकी अट्रैक्शन क्या हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। जैसे ही चीज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी के साथ जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। हॉरिजेंटल में शेल में इजाफा नहीं होता, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है उसी शेल के अंदर। अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर दो शेल है, तो दो शेल इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर दूसरे शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर दूसरे शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर दूसरे शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर दूसरे शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ शेल वही है, शेल में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, दैट्स इट। आपको सिर्फ आसान करके मैं बता देता हूं, आपने सिर्फ याद ये करना है कि एटॉमिक रेडियाई ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है और पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है, जस्ट इतना याद करना है बस आपने, सही है। और समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना के आपको दिखा दिया है, इसको आप तवज्जो के साथ देखें, इसको पढ़ें, समझें, सही है, और इसको याद करें, क्योंकि पेपर अभी होंगे तो उसमें ये आपसे पूछा भी जाएंगी सारी चीज़ें, तो आपको याद करना पड़ेगा, सही बेटा। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।